दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक होल्डर 3 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच का एक एक्सटेंशन बोर्ड। दोस्तों इस स्विच से हम तीनों 5 पिन सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे और इस स्विच से होल्डर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम होल्डर के इस पॉइंट को स्विच के इस पॉइंट से जोड़ेंगे और इस स्विच से इन तीनों सॉकेट के एक एक पॉइंट को जोड़ेंगे। दोस्तों हमारे बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मेन की वायर को बोर्ड से जोड़ेंगे। दोस्तों फेस की वायर को हम स्विच से जोड़ेंगे और न्यूट्रल की वायर को डायरेक्ट सॉकेट के दूसरे पॉइंट से जोड़ेंगे, इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों हमारे बोर्ड के कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब हम बोर्ड को एक बार चालू करके ज़रूर देखेंगे कि हमारे पॉइंट सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको भी इसी तरीके से बोर्ड के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल में नए हैं तो इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम करने से पहले अपनी सेफ्टी ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।